हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं कि यार डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। तो क्या ये खबर सही है फ्रेंड्स, और क्या सच में डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा 2030 के बाद? और ऐसे स्टूडेंट जो 2030 से पहले डीएलएड कोर्स किए हैं, क्या वो 2030 के बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए योग्य रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, जिन्होंने किया है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड किया है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो है ना एनसीटीई जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, किसी कॉलेज को मान्यता देना हो या रद्द करना हो, बीएड का हो या बीपीएड का हो या डीएलएड का हो, जेबीटी का हो, कोई सा भी कोर्स हो, इसकी मान्यता वही देता है, वही रद्द करता है। इसके रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन एनसीटीई जारी करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसके तरफ से ऐसा कुछ आया ही नहीं है। हाँ, इन्होंने ये बताया है कि धीरे धीरे जो है 2030 तक इंडिया के सभी स्टेट में 4 साल का आईटीईपी कोर्स आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि डीएलएड कोर्स जो है वो उसकी मान्यता जो है रद्द हो जाएगा या डीएलएड कोर्स नहीं होगा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि अब डीएलएड बीएड के स्थान पर अब आईटीईपी होगा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर जो है ना डीएलएड कोर्स पर रोक लगा दिया गया है। मतलब हुआ क्या है, उस स्टेट में स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, डीएलएड या बीएड करे हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वैकेंसी के बर्डन को कम करने के लिए वैकेंसी कम निकालना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा कोर्स करेंगे तो वो वैकेंसी की भी मांग करेंगे, तो ऐसे में उसको कम करने के लिए साल दो साल में वो रोक लगा देते हैं। जैसे झारखंड में रोक लगा दिया है, हरियाणा में रोक लगा था, फिर स्टार्ट हुआ है, फिर रोक लग गया है, तो ऐसा होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है एनसीटी की तरफ से कि बंद होगा। अब मान लीजिए बंद हो जाता है, 4 साल का आईटीईपी कोर्स आ जाता है, तो ऐसे में जो 2030 से पहले डीएलएड किए हैं, क्या वो मान्य होंगे या नहीं होंगे, या फिर क्या 2030 के बाद जिन्होंने 2030 से पहले डीएलएड किया है, क्या 2030 के बाद वो टीचर बनने के लिए योग्य रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में? समझिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, 2030 तक जो है ना इंडिया के सभी स्टेट में आईटीईपी कोर्स आ जाएगा, वैसे स्टार्ट तो अभी ही हो गया है, ठीक ना। तो जिन्होंने 2030 से पहले किया है उसके लाइफ टाइम तक, मतलब जैसे टीचर बनने की जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है कुछ स्टेट में फ्रेंड्स 37 साल है, कहीं पर 40 साल है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप 40 साल तक टीचर बनने के लिए योग्य रहोगे 2030 के बाद भी। 2030 से आईटीईपी होगा तो फिर स्टूडेंट आईटीईपी करेंगे, तो ये समझ लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोर्स की मान्यता तो आपका रहेगा ही, वो कोर्स हट जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा 4 साल वाला। तो यही था, बाकी आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो गाइस, एनसीटी की तरफ से कुछ आया नहीं है। न्यूज़पेपर वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी एडिटिंग करके जो है वीडियो बना देते हैं, या फिर न्यूज़पेपर जो है एडिट कर देते हैं, चला देते हैं कुछ भी, तो ये चीज़ें एनसीटी की तरफ से तो कुछ आया नहीं है।